गूगल में ये आई एम फीलिंग लकी क्यों होता है और इस समंदर में कोई इंसान डूबता क्यों नहीं और हैशटैग को हैशटैग नहीं बल्कि कुछ और कहते हैं। तो आइए जानते हैं टॉप 10 नॉलेज बूस्टर फैक्ट्स। नंबर 10, रेनबो तो आप सबने जरूर देखा होगा, बट क्या आप जानते हो कि एक रेनबो रात में भी निकलता है? जी हाँ, जिसे मूनबो और लूनर रेनबो भी कहते हैं। ये भी उसी तरह बनता है जिस तरह सनलाइट पानी की बूंदों पर लगकर नॉर्मल रेनबो बनाती है। हालांकि मूनबो मून की लाइट से रात में बनता है, जो काफी रेयर होता है। मैंने तो अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, लेकिन अगर आपने देखा है तो मुझे कमेंट्स में बताओ। नंबर 9, 1910 में फ्रांस राइकल्ट नामक एक टेलर ने ऐसा पैराशूट बनाने की कोशिश की जिससे कम ऊंचाई से भी कूदा जा सके। 2 साल लगातार मेहनत के बाद इन्होंने आखिरकार ये पैराशूट बना ही लिया, जिसके बाद फ्रांस खुद इस पैराशूट को पहनकर दुनिया को अपने अद्भुत आविष्कार का जलवा दिखाने के लिए एफिल टावर पर चढ़ गए, जिसे देखने के लिए काफी पब्लिक जमा हुई। लेकिन जैसे ही उन्होंने टावर से छलांग लगाई तो वो पैराशूट खुला ही नहीं। और इस तरह इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। नंबर 8, क्या आपने कभी सोचा है कि बुक्स में ये जगह खाली क्यों होती है? दरअसल ये रैट्स यानी कि चूहों की वजह से खाली होती है, क्योंकि चूहे अक्सर बुक्स को साइड से काटना शुरू करते हैं और ये जगह खाली होने से बुक्स में लिखी कीमती नॉलेज सेफ रहती है। नंबर 7, दोस्तों इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको कई सारे ऊंट नजर आएंगे। दरअसल ये एक कमाल का इल्यूजन है, क्योंकि जिसे आप ऊंट समझ रहे हो वो एक्चुअल में ऊंट नहीं बल्कि उसकी परछाई है। ऊंट तो वो है जो आपको नीचे लाइंस दिख रही हैं, है ना कमाल। नंबर 6, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको पूरी तरह से खत्म करना इम्पॉसिबल है नहीं था, क्योंकि हाल ही में अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 18 लोगों पर 6 महीने तक एक डॉस्टालाइमैब नामक मेडिसिन चलाई गई और हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ कि 18 के 18 लोगों का रेक्टल कैंसर बिल्कुल खत्म हो गया। नंबर 5, हाल ही में जापान के एक आदमी ने 12 लाख रुपए देकर अपने आप को कुत्ता बनवाया है। दरअसल उनका हमेशा से ये सपना था कि वो एक जानवर बने, जिसके बाद उन्होंने एक जैपैट नामक कंपनी से 12 लाख रुपीस देकर एक ड्रेस बनवाई है जिसे पहनकर वो बिल्कुल एक डॉग की तरह दिखते हैं। नंबर 4, इजराइल और जॉर्डन के बीच में इस झील को डेड सी के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये एक लेक है, लेकिन इसे डेड सी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के पानी में कोई भी मछली जिंदा नहीं रह सकती, जिसकी वजह है खारा पानी। और यहाँ का पानी समंदर के पानी से 10 गुना ज्यादा सॉल्टी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पानी डेड सी में जमा होता है वो समंदर के पानी के कंपैरिजन में ज्यादा जल्दी सूरज की गर्मी से एवोपोरेट हो जाता है, यानी कि सूख जाता है, जिससे बहुत ज्यादा नमक बनता है। और इतना ज्यादा सॉल्टी वाटर होने से जाहिर है कि पानी में सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, जो कि इस पानी को बहुत ज्यादा डेंस बनाता है। इसीलिए यहाँ इंसान पानी में डूबता ही नहीं। आसान भाषा में कहूँ तो आप समझ लो कि यहाँ के पानी में बहुत ज्यादा नमक है, जिसकी वजह से यहाँ का पानी इंसान की बॉडी से ज्यादा भारी है, इसीलिए यहाँ इंसान नहीं डूबता। तो जल्दी से फैक्ट्स मैन को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। नंबर 3, दोस्तों हमारे यूनिवर्स में बहुत से अजीब प्लेनेट हैं, पर क्या आप जानते हो कि सैटर्न, जुपिटर, नेपच्यून और यूरेनस की जमीन पर आप कभी कदम नहीं रख सकते। इन पर चलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये प्लेनेट्स गैसेस से बने हुए हैं, यानी कि इन पर कोई सॉलिड जमीन है ही नहीं। और वीनस पर सिर्फ लावा ही लावा है, यानी कि इस पर जाने के लिए आपको तैरना आना चाहिए। नंबर 2, हम सभी सोशल मीडिया पर पिक्चर्स या वीडियो शेयर करते समय ये साइन लगाकर कंटेंट से रिलेटेड कीवर्ड्स डाल देते हैं, जिसे आजकल सभी हैशटैग कहते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका रियल नेम हैशटैग नहीं बल्कि ऑक्टोथॉर्प होता है। नंबर 1, आपने नोटिस किया होगा कि गूगल में सर्च के साइड में आई एम फीलिंग लकी लिखा होता है। दरअसल ये इसलिए लिखा होता है ताकि आप जल्दी से उस वेबसाइट पर पहुंच जाओ जिस पर आप जाना चाहते हो। जैसे कि अगर आप YouTube लिखकर इसे दबाते हो तो ये डायरेक्ट YouTube ओपन कर देगा, लेकिन अगर आप YouTube लिखकर सर्च बटन दबाते हो तो ये सर्च रिजल्ट्स दिखाएगा, ना कि डायरेक्ट YouTube ओपन करेगा। यानी कि इससे आप किसी भी वेबसाइट का नाम लिखकर सीधा उस पर पहुंच जाओगे, जिससे आपका टाइम भी बचेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीकेंड पर, तब तक के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर बाकी फुल वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो।